सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेविड लाइफ। और आप सभी का स्वागत है तहे दिल से मेरे चैनल पे। और गाइस, आज का व्लॉग ना कोई शूट करने का कोई भी मतलब एक होता ना कि शूट करना आज एक व्लॉग, तो माइंड सेट है मेरे कोई था ही नहीं ऐसे कि मैं व्लॉग शूट करना है। बट तब भी ऑन द स्पॉट ये व्लॉग शूट हो गया। पूरे व्लॉग में क्या बोलूँ मैं, बस इतना बोलना चाहूँगा कि भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए और जिंदा आज खड़े हैं आप लोगों के सामने, और आपके सामने मैं जिंदा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, नहीं तो शायद मेरी आत्मा व्लॉगिंग कर रही होती है अभी कि हे गाइस कैसे हैं आप लोग। भूल के मोमो नहीं है, मोमो घर जा चुकी है और वो क्यों गई है घर सारे इस व्लॉग में दिख जाएगा। और गाइस पता है आप लोगों को, एक्सीडेंट होते होते बचे हैं हमारा सब लोग एक्सीडेंट होते होते बचे, हम लोग मरते मरते बचे हैं। आप लोग लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, एक पैसा मजाक नहीं कर रहा और मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। चेहरे मत जाओ, चेहरे पर मेरे स्माइल रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बताऊँ गाइस, बोलूँगा कुछ नहीं, इतना बोलना चाहता हूँ कि बस भगवान ने बचा लिया। और कैसे बचा लिया आप आगे देखो, पता चल जाएगा आपको, देखो आगे। गाइस आप लोग जो ट्रक देख रहे हो ना, जस्ट हमारी गाड़ी के सामने ही पलटा है, जस्ट दो मिनट पहले ही। मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मम्मी कार चला रही थी, मम्मी ने जस्ट इतने आज एक्सीडेंट होते होते बच गए हम सब लोग। इतना बड़ा ट्रक हमारे सामने पलटा है, जस्ट हमारे सामने ही है। आज हमारी किस्मत, हम लोग दर्शन करके आ रहे थे, हमें भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज तो बस पहुँच गया तुम ऊपर, भगवान ही बचाए, बचा लिया। और जिन्हें चोट लगी थी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो भैया वहाँ पे हैं उनको बचा लिया। और इनके कार की हालत देखो कितना गंदा गया है, क्या ही बोलूँ यार। गाय जिंदगी बच गई और इनका भी शुक्रिया जो कार रोक लिया, नहीं तो हमारा तो आज रोटी बन जाता। गाइस क्या बोलूँ यार, लाइव देख लो यार, देख लो क्या लाइव, देख लो क्या बोल रहा हूँ, लाइव हो गया हमारे साथ। किस्मत बच गए यार, जाने टाइम पे हमने ट्रक जला हुआ देखा और आने टाइम पे हमने ट्रक पलटा हुआ देखा। नींदे उड़ गए भाई, सो रही थी मैं तो देख के, पहले ये देखा कि हमें पीछे है उसके, हमारी गाड़ी पीछे है, ये देख के मैंने पलटते तो हुए देखा उसको, जस्ट मेरी आंखों के सामने यार, सामने हम बोल रहे मम्मी मम्मी वो हो, तो मैंने एकदम से उठी सो रही थी। किस्मत अगर इधर कंडक्टर होता ना, हाँ वो नहीं होता, कंडक्टर बेचारा नहीं होता, माहौल शांति से भर गया पूरा, चुपचाप घर चल लेते हैं। हे गाइस देखो, बाथरूम वीडियोस बना रहा हूँ, पब्लिक वॉशरूम है और नंगे पैर देखो, क्या जिंदगी है यार। चलते हैं नीचे, अब कुछ खाएंगे वाएंगे, अरे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे, ये तो बाथरूम है, बाहर होटल से कुछ खाएंगे तो मुँह धो लेते हैं यार, बाहर चलते हैं। बाय, लग गॉड बच गए हम लोग, नहीं तो आज हमारी रोटी बन जानी थी और आप लोगों के प्यार ने बचा लिया। पूड़ी बन जाती, भटूरे बन जाते, फूल के बाहर आए थे तेल से, किस्मत ने बचा लिया और आप लोगों के प्यार ने बचा लिया। आप लोग भी चाहते हो ना कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज लाऊँ, इसलिए आप लोगों ने बचा लिया, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना विश करता हूँ, मैं इतना सपोर्ट करते हुए। 3 hours later, हे माय यूट्यूब फैमिली, तो हम लोग आ चुके हैं घर पर फाइनली, है मामा अभी घर में भी सर। पापा ने फोन करके ऑलरेडी सुबह से गाली देना स्टार्ट कर दिया मुझे कि कहाँ है तो पूजा होता थी, पता नहीं ये वो, घर जाके डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन यार दुआ मांगते कि बच गए मामा,
भगवान ने बचा लिया, और क्या, भगवान के द्वार से ऐसे इंसान अच्छा ही होता है। दर्शन करके आया था और हमारे सामने वो पलटा यार, कितने गंदे तरीके से। सब सो रहे थे, मैं जगी हुई थी, हम तो हैरान हो गए। खैर लेकिन पलट तो तब भी मैंने देखा उसको, तो इसने मुझे जगाया। लेकिन हम जैसे गाड़ी पलटी, हमने गाड़ी रोकी, उस इंसान को जाकर निकाला पहले गाड़ी के अंदर से, कांच वाँच तोड़ के आगे का। तो वो तो सेफ था, उसका फ़ोन भी ठीक था। और उसकी सब बच गए, सब ठीक है, अब हम घर आ गए हैं। मम्मी वगैरह जा चुके हैं, काजू का ऑफिस है तो उसके लिए वो भाग गए जल्दी से, और हमें यहाँ छोड़ दिया। और हम लोग यहाँ पे पहले इसलिए आए क्योंकि डेविड के घर में भी पूछ रहे हैं, तो वो भी आप लोग को देखना है। चलते घर, पापा की डांट खा लेते हैं पहले। तो गाइस घर पे आ चुके हम लोग। आते ही देखा हम लोग की पूजा तो वैसे हो चुका था, जो कर रहा था सारा काम पापा ने कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे। पूजा तो सुबह 6 बजे था घर पे। हाँ मुझे पता है। नमस्ते। नमस्ते, हाय। पता है बच गए पापा आज मरते मरते बच गया, ट्रक के नीचे आ जाता, हम सब लोग बच गए। शुक्र माने, भगवान का दुआ है, जब तक ऊपर वाले चाहेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मेरे मुंह फोला फोला पड़ा है, तुम यहाँ मेरे फोटो क्यों दिखा रहा है? दिखा रहे हो क्या हुआ? मैं यहाँ पर पूजा कर रही है, कर ले बाबू, तो भी प्रसाद देगी अभी पापा को ये। और ये किस चीज़ के ऊपर पूजा था बता दो सही। कुल पूजा, ये घर की कुल पूजा है। वैसे तो हर कोई अपने अपने घर के कुल पूजा करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। कोई कुछ तरीका से करते हैं, कोई कुछ तरीका से करते हैं, और हम इस तरीका से करते हैं। कुल पूजा मीन्स की देवताओं को कुछ चढ़ाना है ना, देवताओं को कुछ चढ़ाना। तो देवता ही को तो चढ़ाया जाता है। वही कह रहा हूँ, कंफ्यूज थोड़ा सा। तो अभी फिर दोबारा, हाँ मतलब वायु पूजा और कुल पूजा करते हैं। तो अभी तब तो खाना वाना खाएंगे हम, मैं और मम्मी वापस जा रहे हैं घर, ग्रेटर उन्होंने मम्मी के घर पे, क्योंकि अभी दिन भर काम होगा मुझे पता है। अब ऐसे हम रात को थक गया है तो बहुत तगड़ी नींद आ गई, बार बार बात बात में आँख बंद हो गई है। तो भाई चलेंगे सीधे घर, और मम्मी प्रसाद दे रही है, खा लेते हैं। और आपको खाना तो का एड्रेस सेंड कर दो नीचे, मैं घर में पहुँचा दूँगा। The next day. So guys, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मम्मी घर से। अब चलो मम्मी बाय। तो अपना काम ही कर रहे हो हमेशा की तरह, और बहुत मज़ा आया घूम के, हमें बाबा जी ने बचा लिया। थैंक यू सो मच मेरे भगवान, सबके भगवान, सबके देवता, सबके भगवान, सबको बचा लिया। थैंक यू सो मच, आपने बचाया। वो इसलिए बचाया कि मैं आप लोगों का आगे दिमाग खता रहा हूँ वैसे ब्लॉग में, इसलिए। तो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अपने घर, चलते हैं यार। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने घर पे, और रात हो चुकी है। मैंने दिन भर से कुछ नहीं किया, मैं शूट पे गया हुआ था, मैं बिजी था, शूट नहीं कर पाया। तो क्यों ना सोचा कि मैं इस ब्लॉग का एंड ही कर दूँ, है ना गाइज़। आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे आप लोगों, क्योंकि बोर नहीं करना चाहता अपनी फैमिली को मैं। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बचे हैं हम लोग भगवान की दुआ से और आप लोगों की दुआ से। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहें, और भगवान से हमेशा ही साथ मांगते रहें हमारे लिए, और हम आपके लिए मांगते रहेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए आपस में, जिससे कि आप लोग बराबर चले, हम भी बराबर चले। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ फूड चैलेंज के साथ। मज़ा आने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग, फूड चैलेंज होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।